हेज ब्रिज पढ़ेंगे। ये वीडियो बिल्कुल मैक्सवेल ब्रिज की तरह है, सिर्फ मैक्सवेल ब्रिज में पैरेलल में कैपेसिटेंस कनेक्ट था और इसमें जो है कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्ट है। अब इसकी कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं। इसमें भी इम्पीडेंस ही हम लोग काउंट करते हैं, इसका इम्पीडेंस इसके और मतलब इसका इसके इंटू और इसका इसका इंटू, इन दोनों का इसका इंटू इक्वल होंगे, ठीक है। देखिए अब हमारा जेड वन, जेड वन क्या है, जेड वन हमारा ये सीरीज में लगा है, तो आर वन प्लस ये हमारा होता है, ये हमारा होता है एक्सी, और एक्सी इक्वल टू होता है वन अपॉन जे ओमेगा सी वन, तो यहाँ पे वन अपॉन जे ओमेगा सी वन ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जेड वन इज इक्वल टू आर वन जे ओमेगा सी वन प्लस वन अपॉन जे ओमेगा सी वन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारा जेड टू क्या है, जेड टू तो हमारा आर टू है, ठीक है। और जेड थ्री क्या है, जेड थ्री भी हमारा देखिए सीरीज में लगा है, तो जेड थ्री इज इक्वल टू जगह आर एक्स प्लस इसका होता है हमारा एक्सएल होता है, और एक्सएल इज इक्वल टू होता है जे ओमेगा एल एक्स, ठीक है, ये होता है, तो ये हमारा जाएगा जे ओमेगा एल एक्स ये आ जाएगा। और हमारा जेड फोर क्या आएगा, जेड फोर में देखिए सिर्फ एक आर्म है, तो जेड फोर इज इक्वल टू आर थ्री आ जाएगा। और अभी हमने आपको बताया कि आर वन आर थ्री का इंटू आर वन आर थ्री का इंटू इज इक्वल टू होता है आर फोर आर टू के, आर फोर आर टू सॉरी जेड फोर जेड टू के, ठीक है, ये हमारा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो भी हमने वैल्यू ये है इनके जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, जेड वन के जगह पे ये वाली, जेड थ्री की जगह पे ये वाली, जेड फोर की जगह पे ये वाली, जेड टू की जगह पे ये वाली, ये देखिए मैंने पूरी वैल्यू रख दी है। आर वन जे ओमेगा सी वन प्लस वन, यहाँ जाएगा आर एक्स प्लस जे ओमेगा एल एक्स, ये पूरे का अपॉन में आएगा जे ओमेगा सी वन इज इक्वल टू आर वन आर थ्री। अब देखिए ये हमारा इसका इंटू हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आर वन आर एक्स जे ओमेगा सी वन प्लस, जहाँ पे देखिए जे का स्क्वायर हो रहा है, ओमेगा का स्क्वायर हो रहा है, सी वन एल एक्स और आर वन। अब देखिए वन से करेंगे तो प्लस आर एक्स और प्लस जे ओमेगा एल एक्स इज इक्वल टू इसका इंटू इसका आर वन। अब देखिए ये हमने कर दिया, यहाँ पे जे ओमेगा मतलब ये स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमारी इसकी वैल्यू माइनस बनाएगी, तो यहाँ पे हमारा आर वन आर एक्स जे ओमेगा सी वन ये प्लस नहीं यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर सी वन एल एक्स आर वन प्लस आर एक्स प्लस जे ओमेगा एल एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए हम सारी इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ रियल पार्ट को एक तरफ कर लेंगे, इसमें देखिए रियल पार्ट एक साइड हो गया है, इमेजिनरी पार्ट एक साइड। अब देखिए रियल पार्ट को हम जीरो के इक्वल मानते हैं, तो आर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर सी वन एल एक्स आर वन इज इक्वल टू जीरो, तो आर एक्स हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर सी वन एल एक्स आर वन। अभी ये वैल्यू हमारी आई नहीं है, अभी हमको इसके आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम लोग इसको देखते हैं, ये हमारी इमेजिनरी पार्ट है, तो ये इमेजिनरी का इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा जे ओमेगा कॉमन आ रहा है, जे ओमेगा बस यही कॉमन आ रहा है, सी वन आर थ्री प्लस सॉरी माइनस, माइनस से यहाँ पे आ जाएगा एल एक्स, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा आर वन आर एक्स सी वन भी आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा जीरो हो जाएगा, यहाँ हमारा जाएगा सी वन आर थ्री माइनस एल एक्स माइनस आर वन आर एक्स सी वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए एल एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी एल एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा सी वन आर वन आर थ्री माइनस आर वन आर एक्स सी वन। अब भी हमारी ये वैल्यू
आई नहीं, जो हमें वैल्यू चाहिए वो नहीं चाहिए। इसमें आर एक्स नहीं होना चाहिए था, इसमें एल एक्स नहीं होना चाहिए था। तो हम देखिए यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू चाहे यहाँ रखें या एल एक्स की वैल्यू वहाँ पे रखें, तब हमें जाके एक वैल्यू मिल जाएगी। तो हम देखिए यहाँ पे इसको एक मान लेते हैं, इसको दो मान लेते हैं। देखिए पहले हम यहाँ पे आर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं एल एक्स में, ठीक है। तो हम लिख देते हैं समीकरण एक को समीकरण दो में रखने पर, समीकरण एक को दो में रखने पर, ठीक है। तो अब देखिए, तो देखिए अब यहाँ पे हमारा एल एक्स इक्वल टू सी वन आर थ्री माइनस आर वन, और यहाँ पे सी वन हम कर दे रहे हैं, यहाँ आर एक्स की वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ओमेगा स्क्वायर सी वन एल एक्स आर वन, ये हमने इसकी वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे एल एक्स की वैल्यू एक साइड कर लेंगे, तो एल एक्स प्लस ये देखिए हमारा ये आर का स्क्वायर हो जा रहा है, तो हमारा यहाँ आ जाएगा ये हमारा सी था, ठीक है। ये सी वन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमारा आ जाएगा आर वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल एक्स इज इक्वल टू सी वन आर थ्री। यहाँ एल एक्स हम कॉमन ले लें, यहाँ आ जाएगा वन प्लस आर वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर और इज इक्वल टू सी वन आर थ्री। यहाँ एल एक्स की वैल्यू आएगी हमारी सी वन आर थ्री अपॉन वन प्लस आर वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, ये आएगी, यही हमारी रियल वैल्यू, यही हमारी वैल्यू हमको लाना था एल एक्स की, यही वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग आर एक्स की वैल्यू निकालेंगे एल एक्स को आर एक्स की वैल्यू में रख के, यानी समीकरण दो को समीकरण एक में रख कर। तो देखिए यहाँ पे हमारा है आर एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर सी वन आर वन, और यहाँ पे हम लोग एल एक्स की जगह पे एल एक्स की वैल्यू रखेंगे। देखिए ये हमने वैल्यू रख दिया है यहाँ पे एल एक्स की वैल्यू हमने रख दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा आर एक्स इज इक्वल टू अंदर हम इसका इंटू करेंगे, ये आ जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर सी वन आर थ्री माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वन आर एक्स सी वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कई चीज़ें का इंटू हो रहा है, तो हम कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर सी वन का स्क्वायर आर वन का स्क्वायर और आर थ्री माइनस ओमेगा स्क्वायर सी वन का स्क्वायर आर वन का स्क्वायर आर एक्स। अब आर एक्स की वैल्यू आर एक्स के पास पहुँचा देते हैं, तो आर एक्स माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर सी वन का स्क्वायर आर वन का स्क्वायर आर एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर सी वन का स्क्वायर आर वन का स्क्वायर आर थ्री। यहाँ पे हम आर एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सी वन का स्क्वायर आर वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर सी वन का स्क्वायर आर वन का स्क्वायर आर थ्री। यहाँ पे आर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर सी वन का स्क्वायर आर वन का स्क्वायर आर थ्री अपॉन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सी वन का स्क्वायर आर वन का स्क्वायर, ये हमारा आर एक्स की वैल्यू आएगी। देखिए आपने अगर मैक्सवेल को कायदे से देखा होगा मेरा नेक्स्ट इसके प्रीवियस वीडियो को, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी थी लेकिन सिर्फ इसमें कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार लगा भी सकते हैं, सिर्फ आप जैसा मेरे में सर्किट डायग्राम बनाए उसी तरीके से बनाइएगा, वरना आपका आंसर दूसरा आएगा, मैच नहीं करेगा। बिल्कुल वैल्यू भी सेम लीजिएगा,
तो आपका भी आंसर बिल्कुल ऐसे ही आएगा। और आप अगर बुकों में देखेंगे या फिर क्वेश्चन बैंकों में, तो उनका जो उन्होंने जिस अकॉर्डिंग वैल्यू ली होगी उसी अकॉर्डिंग उनका आंसर आएगा। लेकिन ये भी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ब्रिज में हमने देखी यहाँ पे एक डिटेक्टर नहीं लगाया था, जिससे हमारा जो सर्किट है वो हमारा संतुलित रहता है।